क्या आपको याद है हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? चलिए कोई बात नहीं, जावा स्क्रिप्ट चैप्टर 16, कॉपी फाइल फात किया और रन कर दिया ब्राउज़र में और ओपन हो गया। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँगा और सो पासवर्ड हाइड पासवर्ड हमारा हो रहा था, राइट? तो मैं मिनिमाइज़ करूँगा इसे और मैं फिर से नया फाइल बनाऊँगा, 17 डॉट स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। सेव कर दूंगा मैं .html लिखा, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। अब क्या करने का कि एक मैं बटन बनाता हूँ, BUTTON, और मैं लिखता हूँ CLICK। यहाँ पे ले लूँगा ड्यू, यहाँ पे लिख दूंगा माई नेम JCMANT, राइट? और स्क्रिप्ट टैग बनाऊंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा और इस बटन का एक आईडी दे दूंगा मैं, तो आईडी BTN दे दिया। BTN इसका मैं जैसे ही आईडी दे दूंगा और यहाँ पे आऊंगा DOCU document.getElementById, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं आईडी का नाम, BTN लिख दूंगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे लेट BTN, यहाँ पे मैं आऊँगा BTN.CLICK, या फिर ऐसे लिख दूंगा ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, ड्यू को भी एक मैं नाम दे देता हूँ, मतलब आईडी दे देता हूँ इसको एक, और यहाँ पे दे दिया DU1, ड्यू ही इसका दे दिया मैं आईडी। और जैसे ही यहाँ पे आएगा, जैसे ही बटन पे क्लिक किया जाएगा, तो क्या करूँगा मैं, इसी को मैं कॉपी करूँगा ऐसे, यहाँ पे लिख दूंगा DIV, BTN को कर दूंगा DIVDU कर दिया। और जैसे ही यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा मैं ड्यू, तो हमें ड्यू जो है दिखाई देने लगेगा। सोलह को मैं 17 कर देता हूँ, रन कर दूंगा 17, तो आ गया यहाँ पे। तो कंसोल डॉट लॉग करूँगा मैं, और जैसे ही मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल खोला मैंने, कंसोल डॉट लॉग मैंने करा था यहाँ पे, और फिर जैसे ही मैं बटन पे क्लिक किया, तो मेरा ड्यू जो टैग था वो यहाँ पे आ गया। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि ड्यू के अंदर जो भी कंटेंट लिखा है उसको एक्सेस करना है, राइट? तो उसको जब एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनर HTML लिख दूंगा। उसको एक्सेस करने के लिए इनर HTML से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मैं करूँगा रिफ्रेश और क्लिक बटन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, कट किया, अब यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रिंग पास कर दूँ, तो इनर HTML में एक कंटेंट, ये डेटा मेरा सेट हो जाएगा, मतलब इसके जगह पे ये डेटा आ जाएगा, राइट? तो इसमें दो मेथड है, एलिमेंट के किसी भी टैग के अंदर जो भी कंटेंट है उसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक तो है इनर HTML है, और दूसरा है इनर टेक्स्ट।
इनर टेक्स्ट है, TEXT। दो प्रॉपर्टी हैं, एक है इनर HTML, दूसरा है इनर टेक्स्ट। दोनों में क्या अंतर है? तो इसको जानने के लिए मैं क्या करूँगा कि इस ड्यू के अंदर मैं कुछ पैराग्राफ बनाऊँगा। यहाँ पे लिख देता हूँ P1, ठीक है, ऐसे। और इसी को मैं करूँगा कॉपी पेस्ट 2-3 बार। यहाँ पे कर दिया 3, शायद मेरा नंबर लॉक बंद है, 3। यहाँ पे कर दूंगा 2, राइट। इन दोनों को मैं पहले कमेंट आउट करूंगा, और ये डिव है। कंसोल डॉट लॉग में मैं आता हूँ, डिव में क्या डॉट इनर HTML पहले मैं करूंगा। तो जैसे ही, 1 मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया क्या है? तो जैसे ही मैं इनर HTML वहाँ पे किया, ये देखिए ये आ गया, क्लिक किया मैंने, तो HTML प्रॉपर्टी की सहायता से, जब मैंने इनर HTML प्रॉपर्टी की सहायता से जब मैंने प्रिंट करा, तो HTML का टैग भी मेरे पास आ गया टेक्स्ट के फॉर्म में। परंतु जब मैं यहाँ पे इनर HTML के जगह पे इनर टेक्स्ट लिखूंगा, तो HTML कंटेंट नहीं आएगा, बल्कि पूरा टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखिए, इनर HTML में क्या होता था, डिव के अंदर का सारा टैग आ जाता था। जैसे मैं यहाँ पे डिव ल बनाया, राइट, इसके अंदर जो भी टैग है, पैराग्राफ वगैरह है, सारा टैग आ जाता था। परंतु जब मैं इनर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया, तो इनर टेक्स्ट में अंदर का सिर्फ कंटेंट आता है, HTML टैग नहीं आता। जो भी टेक्स्ट के फॉर्म में कंटेंट लिखा रहेगा वो आ जाएगा। तो यही अंतर है इनर HTML और इनर टेक्स्ट में, करेक्ट। तो इनर HTML तो मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, पर इनर टेक्स्ट नहीं बता पाया था, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ फिर से, और 18 नाम से एक जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर बनाता हूँ, ऐसे। इसको मैं सेव करूँगा .html। यहाँ पे मैंने HTML लिखा, यहाँ पे लिख दिया 18। हम क्या देखने वाले हैं अभी कि CSS जो है, जावा स्क्रिप्ट के मदद से हम CSS कैसे अप्लाई करेंगे अपने HTML टैग में, राइट। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग लिया, यहाँ पे मैंने ID लिखा, और यहाँ पे दे दिया ID में नेम, ठीक। और यहाँ पे वही लिख दूंगा, माई नेम इज SEMANT, मैंने लिख दिया। और यहाँ पे आया मैं, 17 की जगह पे मैंने 18 लेके एंटर मारा, माई नेम इज आ गया, राइट। यहाँ पे एक मैं, अब क्या मैं करूँगा, मुझे इस पे CSS अप्लाई करना है, राइट। तो CSS अप्लाई कितने तरह से होता है? दो तीन तरह से होते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है इन लाइन स्टाइलिंग। इन लाइन स्टाइलिंग का क्या मतलब है, मैंने यहाँ मैं लिख देता हूँ। पहला टेक्निक है इन लाइन, दूसरा टेक्निक क्या है, इंटरनल CSS। तीसरा टेक्निक क्या है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, पता नहीं, हो सकता है स्पेलिंग गलत होगा, एक्सटर्नल CSS। ये तीन टेक्निक है CSS अप्लाई करने के, राइट। तो हम तीनों को देखते हैं पहले, फिर उसके बाद CSS जावा स्क्रिप्ट के मदद से हम अप्लाई करेंगे। तो पहला, इनलाइन स्टाइलिंग कैसे अप्लाई होगा? तो इनलाइनिंग स्टाइल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम स्टाइल एट्रीब्यूट दे देंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट देंगे, और इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम पैरामीटर देना शुरू करेंगे, की और वैल्यू में ये लेगा, राइट। मान लीजिए मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो अभी बाय डिफॉल्ट कलर कैसा है? अभी बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक है, मैं चाहता हूँ रेड कलर में दिखाई देने लगे। तो CSS का प्रॉपर्टी है COLOR, कलर। अब कलर में मैं दे दूंगा रेड, रेड दे दिया, और मैं यहाँ पे
अप्लाई किया तो रेड हो गया, राइट। फिर उसके बाद मैं सेमी कॉलन दूंगा। फिर मैं क्या क्या चाहता हूँ, इसका फॉन्ट जो साइज है वो बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ दे दूंगा 50 पिक्सल, राइट। और यहाँ पे फॉन्ट साइज मेरा बड़ा हो गया, तो क्या हुआ, ये अलग एक स्टाइलिंग अप्लाई हुआ, ये दूसरा स्टाइलिंग अप्लाई हुआ, राइट। तो जब भी हम अगर सिर्फ एक स्टाइल अप्लाई करना है, सिर्फ मुझे मान लीजिए कलर बदलना होता, तो मुझे सिर्फ इतना लिखने से काम चल जाता, मेरा काम हो जाता इतने से, राइट। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल स्टाइल अप्लाई करना है तो सेमी कॉलन देंगे, फिर जो है यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी लिखा जाएगा। तो सेमी कॉलन से मैंने सेपरेट किया इसको अलग, और फिर मैंने दोबारा फॉन्ट साइज लिखा प्रॉपर्टी, और फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दिया 15 पिक्सल, राइट। आखिरी में सेमी कॉलन देने का जरूरत नहीं है, आप चाहें तो ना दें, ये देखिए कम हो गया, राइट। इस तरह से जो है CSS हम लिख देते हैं, राइट। ये है इंटरनल CSS, नहीं नहीं इंटरनल नहीं, इनलाइन CSS, ये वाला, ये है इनलाइन CSS। मैं दूसरा पैरा इसी को लेता हूँ मैं, राइट। फिर यहाँ पे लिख दूंगा CORAC जावा स्क्रिप्ट। इसमें मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इंटरनल स्टाइलिंग का इस्तेमाल करूँगा, राइट। तो इंटरनल स्टाइलिंग यहाँ पे CORAC कोर्स लिख देता हूँ, राइट। तो इसमें मैंने क्या अप्लाई किया है, इसमें मैंने अप्लाई किया है इन लाइन स्टाइलिंग, ऐसे अप्लाई हो जाएगा। और इसमें मैं चाहता हूँ कि इंटरनल स्टाइल सेट इस्तेमाल करूँ। तो जब भी आपको CSS का कोड लिखना है तो आप कहाँ लिखेंगे, हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर स्टाइल नाम का टैग ओपन करेंगे, ये देखिए आ गया, कंट्रोल स्पेस जैसे ही मारा, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, तो पैराग्राफ में आईडी जो है वो क्या है, कोर्स। तो मैं कोर्स के सहायता से इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट। तो सेलेक्ट मैं कैसे करूँगा, तो CSS में हैज के साथ कोर्स का मैं क्या करूँगा, नाम लिखूँगा यहाँ पे ऐसे। अब कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दूँगा, इतना लिखने से ये वाला जो टैग है वो सेलेक्ट हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं क्या लिखूँगा, मुझे कलर बदलना है, तो यहाँ पे कलर इक्वल टू BLUE, मैं ब्लू कलर दे दिया, सेमी कॉलन दूंगा, सेव करूँगा और चला दूंगा, देखिए तो ये ब्लू कलर में हो गया, राइट। तो ये क्या है, ये है इंटरनल स्टाइल, ठीक है। इसमें बॉर्डर चाहूँ तो दे सकता हूँ, डैश दे दिया मैंने, और जैसे ही मैं ऐसे कराते देखिए बॉर्डर आ गया लेफ्ट में। तो इस तरह से बॉर्डर आप दे सकते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी आप चाहें अप्लाई करना, वो सारे प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर में मैंने लिखा तो ये देखिए पूरा बॉर्डर आ गया, बॉर्डर प्रॉपर्टी से डैश में दिया था स्टाइलिंग तो ये आ गया। अब यहाँ पे सॉलिड है स्टाइलिंग, सॉलिड में मैं सेव करूँगा तो क्या हो जाएगा, पूरा जो है सॉलिड हो गया बॉर्डर। तो इस तरह से CSS हम इंटरनली अप्लाई करते हैं, इंटरनल CSS है ये, राइट। अब बात आता है एक्सटर्नल CSS कैसे अप्लाई किया जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल बनाऊँगा, और इस फाइल को मैं कंट्रोल एस दबा के सेव करूँगा। इसका कुछ नाम मैं दे दूँगा, इसका नाम है मैं माई स्टाइल नाम से .css। ध्यान रहे कि CSS का जो फाइल है, एक्सटर्नल CSS का फाइल, उसका एक्सटेंशन .css होगा, और फिर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं पर आखिरी में .css होगा। मैंने सेव किया, अब मैं क्या करूँगा, आऊँगा फिर से नीचे और यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ बनाऊँगा,
आईडी लिया, आईडी मैंने ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एड्रेस, एड्रेस में मैं लिख दूंगा IMDIA इंडिया। तो मैं एड्रेस मैंने क्या दिया है, इस पैराग्राफ का आईडी है एड्रेस, राइट। तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा एड्रेस को और फिर क्या करूँगा, आऊँगा इधर वाले सीएसएस में, हैज का साइन दूंगा क्योंकि आईडी है, आईडी को हैज से सेलेक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर कलर दे दूंगा यहाँ पे। मान लीजिए कलर में क्या दे देता हूँ, कुछ है क्या कलर, ब्लू ही दे देता हूँ मुझे। तो देखिए नीचे आया एस, नहीं हुआ, ये तो ब्लैक ही है बाय डिफॉल्ट। तो ये क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने लिंक नहीं करा, राइट। हमने लिंक नहीं करा है इसलिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो इस सीएसएस को, इस जावा स्क्रिप्ट, इस एचटीएमएल फाइल में लिंक कैसे किया जाएगा, बहुत आसान है। हेड टैग के अंदर हमें लिंक करना है, राइट। तो सबसे पहले एक टैग शुरू करेंगे, लिंक ऐसे, राइट। रिलेशन में स्टाइल सेट दे दीजिए, टेक्स्ट टाइप में टेक्स्ट स्लैश सीएसएस दे दीजिए। एचरेफ में हम क्या दे देंगे, फाइल का नाम। तो मेरा एक जावा स्क्रिप्ट फोल्डर है डेस्कटॉप पे, राइट। वो डेस्कटॉप पे कहाँ पे है, ये देखिए जावा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है और यहीं पे जो है स्टाइल डॉट सी एस एस है। तो मैं इसी, और मेरा 17वां नाम का फोल्डर, 18 नाम का ये जावा स्क्रिप्ट का जो है ये एच टी एम एल फाइल है। तो ये एच टी एम एल फाइल और सी एस एस फाइल दोनों एक ही जगह है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं सीधा सा यहाँ पे आऊँगा और माई स्टाइल डॉट सी एस एस कर दूंगा, राइट। माई स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पे कर दूंगा और मैं इसको अब रन करता हूँ, देखते हैं हमारा काम करता है कि नहीं। तो हमारा जो इंडिया था वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब मैं फिर आऊँगा यहाँ पे, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या दे दूंगा, बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर लेफ्ट लेफ्ट में क्या दे दूंगा, बॉर्डर, डबल बॉर्डर दे दिया मैंने। अब फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे आके सेव किया तो यहाँ डबल लाइन देखिए आ गया। और फिर मान लीजिए कुछ दूसरा मुझे अप्लाई करना है, तो क्या यहाँ फिर से मैं आऊँगा, यहाँ पे कुछ लिखूँगा प्रॉपर्टी, जैसे फॉन्ट साइज है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 50 पिक्सल और सेव करूँगा और फिर से यहाँ पे रन करूँगा, ऐसे करूँगा। ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मज़ा नहीं आएगा इस तरह से हम कोड लिखेंगे। तो हमें कैसे कोड लिखना चाहिए, सिंपल सी बात है, सीएसएस लिखना है तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद ये एलिमेंट खुला, राइट। ये देखिए सेलेक्ट है स्टाइल, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे है, आप स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे। स्टाइल को सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये पूरा स्टाइल दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए माई स्टाइल डॉट सी एस एस है, इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे खुल गया, इस सब को मैं हटा दिया, ये सारा स्टाइल हट गया। अब मैं क्या करूँगा, COLOR कलर यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे बहुत सारा कलर है, मैंने ब्लू चॉइस किया, सेमी कॉलन दिया, तो यहाँ पे लाइव देखिएगा पूरा जो है आ जाएगा। फिर एंटर किया, यहाँ पे फॉन्ट लिखा, फॉन्ट में कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, बहुत सारा है, मैं फॉन्ट का साइज इसका बदल देता हूँ। तो कैसे बदलूँगा, फॉन्ट हाइफन SIZE देंगे और यहाँ पे दे दूंगा 50 पिक्सल सेमी कॉलन, अपने आप देखिए साइज इसका हो गया। फिर यहाँ पे आऊँगा बॉर्डर, बॉर्डर में मैं क्या दे दूंगा, सॉलिड, तो सॉलिड बॉर्डर हो गया अपने यहाँ। फिर नीचे आऊँगा और फिर मैं क्या लिखूँगा, बॉर्डर हाइफन COLOR, फिर यहाँ पे आऊँगा दे दूँगा यहाँ पे ब्लैक सेमी कॉलन एंटर। ये देखिए अपने आप यहाँ पे जो है
बदलता जाएगा, यहाँ पे हमें लाइव प्रीव्यू दिखता जाएगा। तो हमें जब भी हम CSS का कोड करेंगे तो इसी तरह से करेंगे, लेकिन इतना कोड करने के बाद हमें रुकना नहीं है, इसको कॉपी करना है पूरा, ठीक। नहीं तो इसको कॉपी मैंने कर लिया है, अभी जैसे ही इसको आप रिफ्रेश मारेंगे ना ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इधर पे आइए और यहाँ पे सारा यहाँ पे टोटल जो है पेस्ट कर दीजिए। तो पेस्ट जैसे ही मैं करके सेव करूँगा तो अब देखिए अब जो है पूरा आ गया। तो यहाँ पे टेम्परेरी खाली दिखाई देता है, हमको ये डेटा सारा कॉपी करके यहाँ पे आना होता है CSS में और फिर पेस्ट करके सेव करना होता है। तो इसी तरह से हम CSS पे काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा CSS वगैरह नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैसे जो है CSS अप्लाई किया जाएगा, ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं जो है अप्लाई करूँगा CSS वगैरह, राइट। तो यहाँ पे हमने जो भी CSS अप्लाई करा है वो सब कैसे अप्लाई किया है, CSS CSS के थ्रू ही CSS अप्लाई करा है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो भी CSS हमने अप्लाई किया है ये सारा CSS कैसे अप्लाई करूँ, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, राइट। ये सभी CSS को मैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये दो ठो जो पैराग्राफ है इसको मैं तो हटा देता हूँ, नहीं हटाऊँगा नहीं, कंट्रोल जेड करता हूँ, क्योंकि मुझे सोर्स कोड देना होता है। तो मैं कमेंट करूँगा यहाँ पे, आ जाऊँगा मैं नीचे, एक नया पैराग्राफ बनाऊँगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, यही माई नेम इज वाला जो लिखा था, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, पेस्ट कर दिया, इसका मैं कुछ आईडी दे दूंगा और यहाँ लिख दूंगा माई डेटा, मतलब कुछ भी मैं देते जा रहा हूँ। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना, क्या कहते हैं, 12 बज गया रात के कारण, यहाँ तक क्लियर ना, चलिए 12 बज गया इसके कारण कोई बाकी लोग जो है सो चुके होंगे अब तक, चलिए कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे अब। ये सारा CSS मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही, कुछ नहीं कर रहा हूँ इन लोगों को, मैं सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ इसको, ठीक। मैं एंटर दबा के बल्कि नीचे आ ले ला रहा हूँ ताकि वो दिखाई ही ना दे, सिर्फ हमें इतना ही पे काम करना है। अब JS के थ्रू कैसे स्टाइल लागू किया जाता है, तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग ओपन करूंगा ऐसे, राइट। और फिर आ जाऊंगा मैं नीचे, सेव करके अभी मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आ रहा है, जूम किया हुआ है इसलिए बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। मिनिमाइज करता हूँ, माई डेटा के सहायता से, आईडी के सहायता से इसको मैं एक्सेस कर लूँगा, डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा माई डेटा, पेस्ट कर दिया मैंने। अब इसको मैं लेट की सहायता से पी लिखूंगा और यहाँ पे ऐसे कर लूंगा, सेलेक्ट हो गया। अब पी पी का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, पी का मतलब ये टोटल पैराग्राफ, ये तो आप जान रहे हैं, मैंने काफी बार बता ही दिया है आपको, कंसोल डॉट लॉग करके भी प्रिंट करा है मैंने। तो अगर कोई नया अगर होगा बंदा तो वो जो है यूट्यूब पे देख ही लेगा। कुछ नए बंदे भर्ती हुए थे ना यार यहाँ पे स्काइप पे, तो उन लोग को देखना होगा तो यूट्यूब पे चले जाएंगे, पिछला रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो ये देखिए कंसोल में जैसे ही मैं करूँगा ना, तो ये देखिए पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है। तो अब इस पैराग्राफ में मुझे क्या करना है, स्टाइल अप्लाई करना है। स्टाइल कैसे अप्लाई करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा पी, उसके बाद क्या लिखूंगा डॉट, पी लिखूंगा उसके बाद डॉट लगाऊंगा। CSS के थ्रू हम कैसे अप्लाई करते थे, स्टाइल एट्रीब्यूट के सहायता से करते थे ना, और यहाँ पे स्टाइल लिखते थे हम, तो ठीक उसी तरह से मैं आऊंगा पी के पास, और पी के पास क्या करूंगा स्टाइल, स्टाइल लिखूंगा। तो स्टाइल के माध्यम से स्टाइल एट्रीब्यूट हमारा एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट,
पी मैंने पैराग्राफ, मतलब मेरा टैग, टैग पे क्या लागू करना है, स्टाइल। तो मैंने फिर डॉट लिखा, स्टाइल से स्टाइल एक्सेस हो जाएगा, राइट। फिर स्टाइल के बाद फिर डॉट लगाऊंगा, और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, जो स्टाइल मुझे अप्लाई करना है वो स्टाइल में लिखूंगा। जैसे मुझे COLOR कलर बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा BLUE, ब्लू लिख के कर दिया सेव। अब इसको मैं रन करूंगा, बाय डिफॉल्ट कलर क्या है, ब्लैक। मैं इसको जैसे ही रन किया तो ये देखिए ब्लू कलर में हो गया। इसका मुझे क्या करना है, फॉन्ट का साइज बड़ा करना है। कैसे करूंगा, सिंपल सी बात है, मैं इसी को कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट करूंगा, तो FONT फॉन्ट हाइफन साइज। CSS में तो इसी तरह से लिखा जाता था ना फॉन्ट साइज, लेकिन ध्यान रहे एक बात कि अगर कोई भी CSS का प्रॉपर्टी अगर सिंगल वर्ड का है, जैसे कलर सिंगल वर्ड का है, तो मैं लिख दूंगा क्या, सीधा कलर लिख दूंगा। लेकिन CSS का कोई प्रॉपर्टी जो डबल वर्ड का है और बीच में माइनस का साइन लगा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट में कैमल कैस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो माइनस का साइन है इसको डिलीट मारेंगे, और साइज का एस को क्या कर देंगे, डिलीट, और उस एस को फिर कर देंगे कैपिटल। तो इस तरह से लिखा जाएगा मल्टीपल वर्ड वाला जावा स्क्रिप्ट के टेक्निक से, राइट। अब मैं क्या करूँगा, साइज में मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा 50, और फिर लिख दूंगा पिक्सल ऐसे। अब मैं इसको करूँगा रन ऐसे, तो ये देखिए बड़ा बड़ा हो गया। मान लीजिए कि मुझे बटन पे क्लिक करने के बाद ये स्टाइल अप्लाई होना चाहिए, रन होते ही अप्लाई ना हो, तब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे एक बटन बनाऊँगा, बटन बना दिया, और यहाँ पे लिखा ALLY अप्लाई स्टाइल, राइट। और इसका क्या दे दूंगा, आईडी दे दूंगा, इसका दे दूंगा आईडी BTN, करेक्ट। इसको मैं नीचे करूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, पहले तो इस बटन को मैं सेलेक्ट करूंगा। कैसे सेलेक्ट करूंगा, देखिए BTN, राइट। नहीं यार, पहले तो मुझे डॉक्यूमेंट वाला लिखना पड़ेगा ना, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे मैं आऊँगा सिंगल कोट ऐसे दे दूंगा इस तरह से, फिर लेट BTN इक्वल टू ये दे दिया, राइट। अब क्या करूँगा मैं, BTN पे क्लिक इवेंट पास करूँगा, तो डॉट ऑन CLICK, ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन ऐसे, राइट। मैंने जैसे ही FUN यहाँ पे लिखा, राइट, FU लिखा, ये अपने आप सजेशन आया, मैं टैब दबा दिया, आर्ग्यूमेंट हटा दूंगा, फिर जो है टैब दबा के आ जाऊंगा बॉडी पे, डिलीट मारूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये जो भी स्टाइल लिखा है इन सबको यहाँ से करूंगा कट, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ब्राउजर ओपन करूंगा, ये देखिए रिफ्रेश किया, स्टाइल साला हट गया। ये क्या बोल रहा है, सेटिंग डॉट ऑन क्लिक नल, इसको क्या प्रॉब्लम है भाई, ये कहना ये चाह रहा है कि ऑन क्लिक जो है काम नहीं करेगा, इस पे काहे नहीं काम करना चाहिए भाई। यहाँ पे आऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, कुछ होगा नहीं, यहाँ पे बोल रहा है नल है, सेट नहीं कर सकते आप, तो BTN, लेकिन यहाँ पे लिखा हूँ मैं BTN1, तो इसीलिए जो है ये गलत हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे, अब जो है हमारा चलेगा। ऑल्ट टैब दबा के मैंने ब्राउज़र ओपन किया, रिफ्रेश मारा, अब जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गया, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, मैं माइनस का साइन दबा रहा हूँ कंट्रोल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। कल ठीक है, अप्लाई पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो जो है यहाँ पे स्टाइल तो अप्लाई हो जा रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है इस तरीके से। तो मैं क्या चाह रहा था अभी,
कि यहाँ पे एक कलर का पिकर आ जाता, इधर कुछ फॉन्ट वॉन्ट के लिए आ जाता, रेंजर वगैरह या टेक्स्ट बॉक्स, उसमें मैंने फॉन्ट डालता, कलर सेलेक्ट करता रन टाइम पे, इसमें अप्लाई हो जाता, मज़ा आ जाता तब तो। लेकिन आप कह रहे हैं कि कल, तो अब हम कल जो है इसके बाद कर लेंगे, ठीक। चलिए।